मैं हूं अंकित अग्रवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आपको पता है पिछले कुछ समय से यहां पर कोरोना वायरस का बहुत भारी इम्पैक्ट आया है हमारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर। यहां पर पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट हो सकता है हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, वहां पर मैंने आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। साथ में आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते, मतलब ये जो वीक गया है हमारा मंडे टू फ्राइडे, यहां पर जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। ना कि सिर्फ जस्ट इंडिया के शेयर मार्केट में, बल्कि पूरे विश्व के शेयर मार्केट में, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यहां पर क्रैश जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर डे बाय डे जो स्टॉक मार्केट है वो गिरते जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम ये जो स्टॉक मार्केट का कोलैप्स हुआ है, क्रैश हुआ है, इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका रीजन क्या है और क्या इसकी वजह से पूरे विश्व में मंदी आ सकती है, जिसको आप रिसेशन कहते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिलेगी ही, प्लस अब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित AGARAWAL ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑलरेडी 7,500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि फ्राइडे को, दैट इज कल की ही बात है, यहां पर जो सेंसेक्स है हमारा, उसमें करीब 3.5 से 4% की भारी गिरावट देखने को मिली है। यहां पर पिछले वीक से अगर आप देखिए, यहां पर मंडे से लेकर फ्राइडे तक, इसके बीच में करीब 3000 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पर सेंसेक्स गिर चुका है। सेंसेक्स आपको पता है दोस्तों, हमारे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसको हम सेंसेक्स में काउंट करते हैं। यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसको हम निफ्टी में काउंट करते हैं। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहां पर सेंसेक्स में बहुत भारी गिरावट देखी गई है, और यहां पर जो टॉप 30 कंपनीज हैं, जहां पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, यहां पर अजीत प्रेम जी की कंपनी अडानी हो गया, इन सारे कंपनीज में जब से ये कोरोना वायरस आया है, इसकी वजह से आप यहां न्यूज में देख सकते हो कि अंबानी को करीब $5 बिलियन का नुकसान हुआ है, वहीं अजीत प्रेम जी को करीब $869 मिलियन, अडानी को $496 मिलियन। मतलब कि यहां पर हर एक, यहां जो बिलियनियर है उसको बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप यहां डेफिनेशन में देख सकते हो, इट इज व्हेन अ स्टॉक इंडेक्स ड्रॉप्स सीवियरली इन अ डे और टू ऑफ ट्रेडिंग। मतलब कि यहां पर जो स्टॉक इंडेक्स होता है, मैंने आपसे क्या कहा, ये जो सेंसेक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर ये सेंसेक्स को हम एक इंडेक्स बोलते हैं, जो निफ्टी है टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो इंडेक्स है इसमें जब भी विद इन वन डे और टू यहां पर भारी गिरावट देखने को मिलती है, इसको हम स्टॉक मार्केट क्रैश कहते हैं। जो कि आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन यहां पर अचानक से करीब 3.5 से 4% गिरावट देखने को मिली, इसको आप क्रैश कह सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश होता है इसका मेन रीजन क्या होता है। देखिए, अगर आप में से किसी को भी बेसिक नॉलेज होगी स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी काफी बाइंग होती है, जब भी किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा या किसी इंडेक्स में बहुत ज्यादा खरीदारी होती है, तो वहां पर जो उसके प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब भी किसी इंडेक्स में या फिर स्टॉक में जब भी उसमें सेलिंग होती है, जब काफी ज्यादा लोग स्टॉक को सेल करने लगते हैं rather than buying, तो उसको हम उसका जो प्राइस है उस पर्टिकुलर स्टॉक का वो गिरने लगता है। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि पिछले वीक में यहां पर जो सेलर्स हैं वो काफी ज्यादा फ्राइटेंड हो गए, मतलब कि हड़बड़ी में आ गए यहां पर, जैसे ही उनको लगा कि जो कोरोना वायरस का इंपैक्ट है पूरे विश्व में काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। तो यहां पर जब भी कभी कोई इकोनॉमिक इवेंट होता है, कोई भी कैटास्ट्रोफ होता है या फिर कोई क्राइसिस इंडिकेट होता है, तो उस समय पैनिक में लोगों को लगता है कि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो लगातार गिरते जाएंगे, इसकी वजह से जो लोग हैं उनको लॉस ना झेलना पड़े, इसकी वजह से सभी लोग बाय, एक तरह का चेन रिएक्शन आप कह सकते हो कि सभी लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर उनको लॉस देखने को मिलेगा, इसलिए सभी लोग अपने स्टॉक को बेचने लगते हैं, और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश है हमें देखने को मिलता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो 2008 में अगर आपको याद होगा तो जो ग्रेट रिसेशन हम जिसको कहते हैं यहां पर, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉइंट, लार्जेस्ट पॉइंट ड्रॉप देखने को मिला वहां की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। यहां पर बेसिकली हुआ क्या था कि यूएस में जो लेमन ब्रदर्स का बैंक है वो
फेल हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि यूएस गवर्नमेंट बेलआउट पैकेज लेकर आएगी, उसको बचा लेगी, लेकिन वहाँ की जो कांग्रेस है वहाँ पर इसको समर्थन नहीं मिला और यहाँ पर जो लेमन ब्रदर का बैंक है उसको बचाया नहीं जा सका। और इसी की वजह से यहाँ पर लोगों को लगा कि अगर लेमन ब्रदर जैसा बड़ा बैंक अगर डूबेगा तो यहाँ पर बाकी बैंकों का क्या होगा, और इसकी वजह से लगातार उस पर्टिकुलर 2008 के समय यहाँ पर लार्जेस्ट पॉइंट ड्रॉप देखने को मिला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके बाद से अभी देखिए दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बार बार इस पर्टिकुलर वीक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2008 में जो पूरा एक वीक था, एक पूरा हफ्ता था, वहां पर जितनी गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद से अब जाकर 2020 में ये जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है उसकी वजह से हमें यहां पर वर्स्ट वीक देखने को मिल रहा है आफ्टर 2008, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में जहां जहां स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, आप देख सकते हो यूरोप का हो गया करीब 4%, यहां पर फ्रांस का जो स्टॉक एक्सचेंज है CAC जिसको कहते हैं 3.38%, यहां पर रशिया को आप देख सकते हो करीब 6-7% गिरने को मिल रहा है। मतलब कि हर जगह, चाहे US हो, हर जगह चाइना, हर जगह, यहां पर तो मैंने सिर्फ एक वन डे का लगाया है, अगर आप पूरे वीक का देखेंगे तो करीब 8-10% से ज्यादा यहां पर हर एक देश में जो स्टॉक मार्केट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। इवन मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं यहां पर तो 2008 के समय आप देख सकते हो कि सेंसेक्स जो है, आप यहां पर अच्छे से नोटिस करेंगे तो 2008 के बाद यहां पर सेंसेक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं ऐसा ही माना जा रहा है कि अगर ये कोरोना वायरस का इंपैक्ट नहीं रुका तो यहां पर भी आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि क्या कोरोना वायरस यहां पर सुधर पाता है कि नहीं सुधर पाता। अब नेक्स्ट यहां पर दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है क्या ये हमें रिसेशन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से रिसेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा रिसेशन हम कहते कब हैं, मतलब कि यहां पर आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने तीनों वर्ड को एक्सप्लेन किया था अच्छे से, स्लो डाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है और डिप्रिसिएशन, यहां पर इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो रिसेशन बेसिकली दोस्तों आप यूं समझिए कि जब भी हमारी GDP कुछ क्वार्टर के लिए नेगेटिव में चली जाती है, मतलब कि आपने देखा होगा कल यहां पर GDP का आंकड़ा आया था जहां पर क्वार्टर 3 का आंकड़ा करीब 4.7% बताया जा रहा है, तो यहां पर ये तो पॉजिटिव में है, जब भी हमारी GDP नेगेटिव में आ जाती है कुछ क्वार्टर के लिए तो यहां पर कोई एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि कितना क्वार्टर होगा, 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, यहां पर बेसिकली जब भी माना जाता है कि लगातार 2 क्वार्टर यहां पर जब GDP नेगेटिव में चली जाती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम यहां पर रिसेशन कहते हैं। यहां पर आपको और डिटेल में जानना है तो यहां पर आप ये वीडियो देख लीजिएगा, बाकी मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से आप ये लिंक ले सकते हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि ये जो स्टॉक क्रैश होते हैं, जो शेयर मार्केट में क्रैश हुआ है कि क्या इससे रिसेशन आएगा, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट और जो कंपनीज होती हैं उनका क्या रिलेशन है, मतलब कि जब भी स्टॉक में बाइंग होता है, जब भी स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो कंपनीज हैं उनको मुनाफा होता है, इसकी वजह से उनको उनके पास ज्यादा पैसा आता है। वैसे ही जब भी स्टॉक जो किसी कंपनी का स्टॉक है उसमें गिरावट हो रही है उसकी वैल्यू में, तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसके वहां पर जो कैश फ्लो है वो काफी कम होगा, जिसकी वजह से यहां पर लगातार उसकी जो एबिलिटी है उस बिजनेस को ग्रो करने की वो कम हो जाती है। और जब भी कोई बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, यहां पर मैंने स्टेप वाइज इन सभी चीजों को डाल दिया, आप देख सकते हो कि यहां पर जब भी कोई फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा बिकॉज ऑफ लो डिमांड, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें कमी आएगी, यहां पर जो कंपनी है वो वर्कर्स को निकाल देगी कंपनी से, यहां पर उसकी वजह से जब भी कंपनी वर्कर्स को निकालेगी इसका मतलब वो स्पेंड लेस कर रही है और इसकी वजह से फिर से चेन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो फिर कम होगा और फिर से कंपनी का रेवेन्यू कम होगा तो यहां पर फिर से वर्कर्स को निकाला जाएगा। तो एक तरह से जब भी ये चेन रिएक्शन बन जाता है और ये कंटिन्यूअस फ्लो बन जाता है तो यहां पर जो इकोनॉमी है ओवरऑल, जब भी ये सिचुएशन ज्यादातर कंपनीज में देखने को मिलती है तो यहां पर हमारी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिसेशन भी आ सकता है। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी जो इंपैक्ट आया है कोरोना वायरस का इसकी वजह से हम रिसेशन में जाएंगे, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट है, यहां पर देखना होगा कि क्या ये जो कोरोना वायरस है क्या यहां पर ये सेटल हो सकता है, क्या इसे रोका जा पाता है कि नहीं रोका जाता। अब यहां पर दोस्तों हम करंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, मतलब कि ये जो स्टीप फॉल हुआ है स्टॉक मार्केट में
इसका मेन रीजन क्या है, यहां पर मैं आपको तीन चार मेन रीजंस की बात करूंगा। सबसे पहले ये जो पूरे वीक में ग्लोबली स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, उसका सबसे पहला रीजन आया दोस्तों ग्लोबल स्केयर, मतलब कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक तरह से एक्सपेक्टेशन आया कि जो ग्लोबल रिसेशन है उसका खतरा मंडरा रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, देखिए जब भी इस तरह की कोई इवेंट आती है तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने पैसे हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, वो वहाँ पर अपने पैसे निकाल कर सेफ हेवन में ले जा सकते हैं। और ज़्यादातर माना जाता है कि जो सेफ हेवन्स होता है, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो गया, जैसे कि डॉलर में इन्वेस्ट करना हो गया, मतलब कि इन सभी चीज़ों को हम सेफ हेवन कहते हैं। ज़्यादातर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर लोग अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी मैंने आपको बताया कि स्टॉक में सेलिंग होगी तो उसके प्राइसेस गिरेंगे, तो एक मेन रीजन यह है कि पूरे ग्लोबली यहां पर काफी ज्यादा स्केयर देखने को मिल रहा है। स्पेशली यहां पर आपने देखा होगा कि अभी तक ऑलरेडी 83,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के, जिसमें ऑलरेडी 2,800 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा डर है पूरे इन्वेस्टर्स के बीच में। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है इट हैज पोटेंशियल फॉर बिकमिंग पैंडमिक, मतलब कि यहां पर आपने देखा होगा महिपाल सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि क्या ये पैंडमिक है कि नहीं है, कब हम इसे पैंडमिक बोलेंगे, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो यहां पर बेसिकली अभी तक इसको पैंडमिक डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल माना जा रहा है कि ये पैंडमिक डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन इसी को देखते हुए यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर फिर से डर का माहौल हुआ और इसकी वजह से उन्होंने जो स्टॉक है उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। साथ में मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, ये मैं आपको इंडिया का आंकड़ा बता रहा हूं। इंडिया से जो फॉरेन पोर्टफोलियो मतलब बाहर से जो निवेश होता है हमारे स्टॉक मार्केट में, यहां पर आप देखिए इस पूरे वीक में करीब 6,800 करोड़ से ज़्यादा के जो स्टॉक के वैल्यूज़ हैं उसको बेचा जा चुका है। तो होता क्या है, यहाँ पर जब भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको दिखता है कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं जब वो अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर इंडिया के इन्वेस्टर्स भी उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपने देखा कि फ्राइडे को करीब 3-4% यहाँ पर सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जब से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया है, तो यहाँ पर जो डिमांड है क्रूड ऑयल की उसमें भारी गिरावट आई है। और जब भी किसी भी कमोडिटी में डिमांड की कमी आती है, आपको पता है उसके प्राइसेस भी क्या होते हैं, उसके प्राइसेस नीचे जाते हैं। और यहाँ पर रीसेंट का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं अभी प्रेजेंट में, तो ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस $50 से भी नीचे आ चुका है। तो एक काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। देखिए ऑल्दो आपको लग सकता होगा कि इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो डॉलर है वो कम लगेगा, कम आउटफ्लो होगा डॉलर का, क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है क्रूड ऑयल। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर इंडिया ट्राई कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बाहर के देशों में जब डिमांड ही नहीं होगी तो इंडिया एक्सपोर्ट कैसे करेगा। तो एक तरह से इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पर भी यहाँ पर GDP पर भी इम्पैक्ट आ सकता है इस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की गिरावट में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब लास्ट में जाते जाते यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि अभी तक इस तरह के जब भी कोई इवेंट आए हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, वैसे ही 2003 के आसपास जब SARS आया था, फिर स्वाइन फ्लू, उसके बाद एबोला हो गया, जीका हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, कि क्या इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसमें गिरावट आती रहती है, कि क्या आगे चलकर ये सुधरता है। देखिए हर एक जो इवेंट होता है वो काफ़ी यूनिक होता है अपने आप में। जैसे कि जो SARS था 2003 के समय आया था, तो वहां पर वन मंथ में अगर आप देखेंगे तो उसमें -3.4% की गिरावट आई थी। वहीं अगर आप स्वाइन फ्लू के समय देखिए तो यहां पर इवन बढ़ोतरी हुई थी, वेरेज एबोला के टाइम वन मंथ के अंदर गिरावट हुई, जीका के अंदर भी गिरावट हुई। लेकिन यहां पर जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखते हैं तो विद इन 6 months यहां पर वापस से जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, जो कि आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि क्या जो स्टॉक में गिरावट आई है, शेयर मार्केट में गिरावट आई है, क्या इसमें वापस से बढ़ोतरी आएगी कि नहीं आएगी, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स कि यहां पर कोरोना वायरस यहां से किस डायरेक्शन में जाता है, उसका इंपैक्ट किस डायरेक्शन में जाता है। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको जो स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ है पिछले वीक, इसमें यहां पर आपको कुछ नॉलेज मिले होगी। आपको पता है कि मेरे इंस्टाग्राम ID पर जाकर आप यहां पर क्विजेस खेल सकते हैं, यहां पर मैं NCQs डालता रहता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।
दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों आपको पता है पिछले कुछ समय से यहां पर कोरोना वायरस का बहुत भारी इंपैक्ट आया है।